नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो चुका है, जहां पर दोस्तों आज एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हरा कर आईपीएल 2021 के सेकेंड क्वालिफायर में प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वालिफायर में केकेआर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा क्वालिफायर मुकाबला कब खेला जाएगा, इसके अलावा कौन से वेन्यू पे होगा और क्या दोस्तों दूसरा क्वालिफायर हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी या फिर उसको एक और चांस मिलेगा, और जीतने वाली टीम फाइनल में क्या चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगी। तो दोस्तों सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एलिमिनेटर मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया, और दोस्तों इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2021 के सेकंड क्वालिफायर में जगह बना लिए, और जहां उनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग सेकंड क्वालिफायर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला शारजा के मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि क्वालिफायर टू में जो टीम मुकाबला जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी, और फाइनल में उसका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। वहीं पर दोस्तों जो टीम ये मुकाबला हारेगी उसे एक और चांस नहीं मिलेगा, बल्कि वो सीधा आईपीएल 2021 से बाहर हो जाएगी। तो अगर दोस्तों बात कर लें इन दोनों टीमों की, तो केकेआर ऑलरेडी 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है और उन्हें बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस भी है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार भी अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हालांकि वो 2020 के आईपीएल में फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उन्हें मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो वो आज अपना एलिमिनेटर का मुकाबला जरूर हार गए केकेआर से, और इससे पहले भी वो एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाए। 14 साल से उनका जो इंतजार है वो अभी भी जारी है, और विराट कोहली का एज आरसीबी कैप्टन ये आखिरी स्टिंट था, और जो उम्मीदें थी, जो सपने थे आरसीबी फैंस के और विराट कोहली के खुद के, कि वो अपनी कप्तानी में आरसीबी को एक आईपीएल ट्रॉफी जिताना चाहते हैं, वो भी अब पूरा नहीं हो पाया, वो सपना भी टूट चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स टीम की, तो महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार अभी तक कप्तानी करी, और आईपीएल इतिहास में सीएसके की टीम 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है। वहीं पर दोस्तों वो 9 बार उन्होंने प्लेऑफ्स में भी जगह बनाई है, तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और इस बार भी वो आईपीएल 2021 के फाइनल में है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हमें इस बार नया चैंपियन मिलेगा, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार पहली बार आईपीएल का खिताब जीतेगी, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग्स में से ही कोई एक पुराना चैंपियन फिर से हमें आईपीएल ट्रॉफी जीतता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस टीम के पास ज़्यादा चांसेस हैं आईपीएल 2021 का खिताब जीतने के लिए, और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।